हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डिजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। हम देखेंगे श्रीखंड बनाने का तरीका। इसे मैंने एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा क्रीमी टेक्सचर वाला श्रीखंड बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इसे बनाओगे ना तो बाजार की आइसक्रीम खाना भूल जाओगे। चलिए फिर देर क्यों करें, बनाते हैं केसरी श्रीखंड। मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेकर इसका दही बनाया है। क्रीमी श्रीखंड बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने अलग से कोई भी मलाई और क्रीम का यूज नहीं किया है। ये देखिए दही में कितनी अच्छी मलाई जमी है। ये देखिए कितनी अच्छी मलाई इसमें जमी है, क्योंकि ये हमने फुल फैट मिल्क लिया है। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है और इसके ऊपर एक सूप वाली छन्नी रखेंगे। इस पर एक मसलिन क्लॉथ रखें और ये सारा दही इस क्लॉथ पर डाल दें। आप दही का टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी गाढ़ी दही जमी है। सारा दही इसमें डाल दें। सारा दही क्लॉथ पे डालने के बाद अब इसको इस तरह से चारों तरफ से समेट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे समेटेंगे। इसको मैंने समेट लिया है और इसको इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसकी पोटली बना दी है और इसको इस पर रख देंगे। दही में से पानी इसमें निकल रहा है, इसे आप फ्रिज में रखेंगे। अगर ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। थोड़ी देर में इसे निकाल कर चेक कर लें कि बोल पानी से भर गया है। फिर इसका पानी अलग करके फिर से इसे इसी तरह से रख दें। इसे अब फ्रिज में ट्रांसफर कर देते हैं। बस दही तो अब कुछ घंटे के लिए फ्रिज में चला गया। आइए अब इसमें लगने वाली कुछ अन्य सामग्री देख लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच काजू लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी ली है और यहाँ 1 बड़ा चम्मच बादाम लिया है। इनको हमने छोटे पीसेज में कट किया है। ये देखिए इस तरह से इलायची पाउडर लिया है, ये कुछ बादाम की कटिंग है और ये कुछ पिस्ता की कटिंग है। इनसे हम श्रीखंड को गार्निश करेंगे। क्योंकि हम ये केसरिया श्रीखंड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच गरम दूध में केसर के 10-15 धागे डालकर इसे भिगाकर रखा है। दूध के ठंडा होने पर इसे भी फ्रिज में रखेंगे। ये मैंने चीनी का पाउडर लिया है, चीनी को ग्राइंडर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। इसकी जगह आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए दही को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, इसे 4-5 घंटे हो गए हैं और ये दही का एकदम चक्का बन गया है। ये देखिए और ये दही से निकला हुआ पानी है, इसे मैंने एक बाउल में कलेक्ट कर लिया था। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है, ये बहुत हेल्दी है। इसको आप जिन भी रेसिपीज में दही का यूज होता है उसमें दही के साथ पानी के स्थान पर इसे यूज करें, जैसे कढ़ी, सूजी की इडली, भटूरे वगैरह। इसे आप सब्जी या दाल में भी डाल सकते हैं, इसे फेंके नहीं। दही को अब इसी छन्नी में डाल लें। दही को चलनी में डालकर छानें। चलनी में छानने से इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी आएगा। ये देखिए दही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरह से इसे छान लें। इसी तरह से सारा दही इसमें से निकाल लें। ये देखिए दही को मैंने छन्नी से छान लिया है और कितना क्रीमी और गाढ़ा इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए और अब इसमें ये केसर वाला दूध ऐड करें। ये शुगर पाउडर है, स्वाद के अनुसार इसमें शुगर पाउडर ऐड करें। यहाँ मैं 8 बड़े चम्मच शुगर पाउडर इसमें ऐड करूंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें ऐड करें और अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। ये बादाम डालें, काजू डालें, साथ ही चिरौंजी डालें। सारी सामग्री हमने इसमें डाल दी है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए लग रहा है ना कितना टेम्प्टिंग। और ये हमारा केसर इलायची की खुशबू वाला ड्राई फ्रूट से भरपूर क्रीमी टेक्सचर्ड टेस्टी श्रीखंड रेडी है। बादाम पिस्ता से इसे गार्निश करें।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करें। वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करें। अपने मित्रों और परिवारजन के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में रेड सब्सक्राइब पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।